क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन रिजल्ट सीजन है ही, जिसका एक इंपैक्ट बनता हुआ दिख भी रहा है। सिप्ला, नतीजों से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लियरली, यहाँ पर कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजों से ठीक पहले एक मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल रही है। अपटिक हमने देखी है, कमजोर बाजार में स्टॉक ने एक बार परफॉर्म करने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको पर्टिकुलरली फार्मा स्पेस भी और साथ ही सिप्ला पर नजरिया क्या होगा? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बनी है और यहाँ पे अगर आज सिप्ला के फॉर्मेशन जो बने हैं वो काफी मैं बोल सकता हूँ कि यूनिक फॉर्मेशन है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद भी अगर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस हाई मीन टू से प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद रिजल्ट में ऐसा कुछ है कि जो शायद इस स्टॉक को और यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। काफी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है या तो हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक जो है वो अपने 20 दिन के एवरेज से अभी तक काफी नीचे है, तो करंट लेवल से भी अगर मैं लॉन्ग करता हूँ 900 रुपए के करीब, तो यहाँ पे 920 से लेकर 925 रुपए की गुंजाइश रहेगी और करंट लेवल पे अगर मुझे लॉन्ग करना है तो जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे तकरीबन 875 रुपए के। तो बिल्कुल करंट लेवल से सिप्ला को लॉन्ग किया जा सकता है विद अ ट्रेडिंग व्यू, और अगर यहाँ